नमस्कार, जमशेदपुर की पांच खबरों के साथ मैं रवि झा। झारखंड में भाषा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में भाषा को लेकर प्रतिदिन राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आज जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद विद्युत बरन महतो भी नहीं चाहते हैं कि झारखंड में भाषा विवाद सुलझे। अब देख लीजिए, जिसको आप वोट देते हो आप कितने प्रति आपके समर्थन पत्र मैथिल भाषा के लोग ने वोट दिया। मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं कि इनकी असली चेहरा क्या है। आपसे वोट लेंगे और आप ही को जो है ना, आप ही का माता का जो है ना बेइज्जत करेगा, क्योंकि भाषा तो मां है ना। हर एक व्यक्ति का अपनी भाषा जो है मां के बराबर है। तो उनको आप जो मैथिली का कोई मतलब नहीं है, भोजपुरी का मतलब नहीं है, मगी का मतलब नहीं है, आंगी का मतलब नहीं है, कोई भाषा का मतलब नहीं है। इन्होंने तो लिख के दे दिया साहब। अब आप वोट दे रहे हैं, देते रहे हैं, लगातार लगा रहे ईवीएम में बटन दबाओ। वहीं जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के सभाकार में आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। इस दौरान सांसद विद्युत बरन महतो ने कई दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में सांसद विद्युत बरन महतो ने कहा कि शहर में सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक हुई है, जिसमें शहर में सड़क दुर्घटना कैसे रुके उस पर विचार विमर्श किया गया। पदाधिकारी ऑफिस पे उपस्थित थे, जो रोड से संबंधित है। कई एक स्पॉट है जो डेंजर जोन है, उसको हम लोग चिन्हित किया गया। NHIM को भी बहुत जगह ऐसा है कि आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, तो किसे एक्सीडेंट कम हो इसके लिए सारे चर्चा हुआ। शहर के भीतर भी, देहात में भी, जयपुर का हो, पटमदा हो, जुगसलाय हो, सारे चीज को देख कर उसको आइडेंटिफाई किया गया और इसको पार। वहीं बागबेरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर आज कमेटी के लोगों ने घोषणा की कि 21 मार्च को यहां से कुछ लोगों का प्रतिनिधि मंडल पैदल मार्च दिल्ली को करेगा। बागबेरा विकास समिति के लोगों ने कहा कि बागबेरा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास हुए काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन यह योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। वहीं जमशेदपुर में कोविड के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के द्वारा मिली जानकारी अनुसार जमशेदपुर में आज 10 मामले सामने आए हैं। वहीं 10 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। हालांकि अभी भी 81 लोग अस्पताल में इलाजरत हैं। अब चलते हैं रेल समाचार की ओर। टाटानगर स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट का उद्घाटन स्थानीय सांसद विद्युत बरन महतो ने किया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय, इसके अलावा मंगल कालिंदी विधायक भी मौजूद थे। को बता दें कि सेकेंड एंट्री गेट खुल जाने से बर्मा माइन टेलको तरफ से आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। देखिए, आज जो सबसे मेन था कि सेकेंड एंट्री को हम अपने सारे प्लेटफॉर्म से कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए हम लोगों ने करीब 250 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज बनाया है, जो कि एक नंबर प्लेटफॉर्म से लेके बाकी सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हुए सेकेंड एंट्री तक जा रहा है। आज ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 4.2 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है और सेकेंड एंट्री साइड में अभी हम लोगों ने 2 टिकट विंडो चालू किया है। बाकी वहाँ पर मैं चाहूँगा कि रिजर्वेशन के लिए भी 1-2 काउंटर हम चालू करेंगे और कुछ एरिया अभी जहाँ पर जो मेन हॉल है उसमें हम वेटिंग हॉल एरिया के रूप में डेवलप करेंगे और उसके फर्स्ट फ्लोर पर फाइनली प्रॉपर वेटिंग हॉल एरिया डेवलप किया जाएगा। वहीं 3 मार्च को लेकर शहर की सजाने का काम अंतिम चरण में है। जमशेदपुर शहर के जनक जयंत टाटा के जयंती यानी 3 मार्च को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से मनाई जाएगी। टाटा कंपनी प्रबंधन ने इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विगत 2 वर्षों से शहर में प्रसिद्ध जुबली पार्क में विद्युत सज्जा के बजाय शहर के तमाम दार्शनिक स्थलों एवं गोल चक्रों को सजाया जा रहा था और इस वर्ष भी इसी तरह ही सजावट की जा रही है। 2 मार्च को शहर भर के विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया जाएगा।
जिसमें रतन टाटा समेत टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एवं कई बोर्ड मेंबर आने की संभावना है। वैसे कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी पार्क में संस्थापक जेएन टाटा की मूर्ति स्थल पर ही सजावट की जा रही है और 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक जुबली पार्क से लेकर गुजरने वाले सड़क को बंद कर दिया जाएगा ताकि पार्क में भीड़ की स्थिति न बने। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं जमशेदपुर की 5 खबरों के साथ। तब तक हमें आज्ञा दे, धन्यवाद।